आज लोगों के स्वास्थ्य को ठीक रखना खुद लोगों के लिए और देश की सरकारों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। हर साल देश इस पर अपनी जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा हेल्थ डिपार्टमेंट को देते हैं ताकि उनसे वो अपने देश में मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स खोले, स्टाफ की रिक्रूटमेंट्स करे, डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट्स करे, ताकि इन मेडिकल प्रॉब्लम्स पर हम काउंटर कर सकें। लेकिन आज एक और समस्या पैदा हो गई है भारत में और पूरे विश्व में, जो अपने आप में एक मानवता पर बहुत बड़ा खतरा है। आज AMR एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस बहुत बड़ा खतरा बन गया है। थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि जब एंटीबायोटिक दवाओं का हम गलत इस्तेमाल करते हैं, अनावश्यक इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो जो हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं, इन्फेक्शन जिसकी वजह से होते हैं, वो इन दवाओं के जो है प्रति रेसिस्टेंस पैदा कर लेते हैं और इन पर दवाओं का कोई असर नहीं होता। अक्सर आपने सुना होगा डॉक्टर ये कह देता है कि दवाई मैंने दे दी है लेकिन वो काम नहीं कर रही है, असर नहीं कर रही है। बहुत बड़ा खतरा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल भारत में 50,000 बच्चे इसी एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। पूरे विश्व के लिए आंकड़ा और भी बड़ा है, लगभग 7 लाख से ज्यादा लोग इसमें अपनी जान हर साल गंवा रहे हैं इसी वजह से। 2050 तक आते आते ये आंकड़ा 1 करोड़ से ज्यादा जो है हो जाएगा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। किसी भी समस्या को उत्पन्न होने में कुछ चीजें लगती हैं, वैसे ही एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस ऐसे ही अपने आप पैदा नहीं हुआ। इसमें हर डिपार्टमेंट की अपनी कुछ गलतियां रही हैं, जो मेरी व्यक्तिगत राय है मैं आपसे शेयर करूंगा। आज डॉक्टर्स क्या है, अपने कुछ पर्सनल बेनिफिट्स की वजह से एंटीबायोटिक का जो प्रिस्क्रिप्शन है वो धड़ल्ले से लिख रहे हैं, जिसकी वजह से एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस पैदा हो रहा है और लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर कोई भी इन्फेक्शन अगर पेशेंट लेकर आता है तो लेवल 1, 2, 3 की एंटीबायोटिक अगर है तो वो इन्फेक्शन अगर लेवल 1 की सस्ती एंटीबायोटिक से ठीक हो रहा है तो डॉक्टर अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए लेवल 3 की महंगी एंटीबायोटिक देते हैं। उनका कुछ पर्सनल बेनिफिट भी है ताकि वो ठीक हो, लेकिन जब ऐसा होता है तो धीरे धीरे मरीज अपने शरीर में ये रेसिस्टेंस पैदा कर लेता है एंटीबायोटिक से, जो बाद में बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। वहीं दूसरी ओर आज लोगों का क्या है कि हमें रातों रात फर्क दिखना चाहिए, असर दिखना चाहिए, हमारी बीमारी ठीक होनी चाहिए, चाहे कितनी भी हाई डोज या हमें कुछ भी मिले, वो भी हमारे लिए बाद में खतरा बनती है। मैं कहूंगा कि अगर डॉक्टर्स की तरफ से या मरीज की तरफ से ये समस्याएं हैं तो मेरा अनुरोध है कि ऐसे पर्सनल बेनिफिट्स पर हमें रोक लगानी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि फाइनली ये किसी की जान पर खतरा बनती है। वहीं दूसरी ओर लोगों को भी संयम रखना चाहिए, एक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर से हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए, कहीं भी झोला छाप के पास हमें नहीं जाना चाहिए, ताकि हमारा सही इलाज हो, प्रॉपर इलाज हो और हमें बाद में जो प्रॉब्लम्स ये हैं ना हो। खतरा बहुत बड़ा है लेकिन इतना भी बड़ा नहीं कि हम उस पर काबू न पा सके। सरकार इस पर अपनी पॉलिसीज बना रही है, वो धीरे धीरे काम करेंगी, लेकिन हमें अपने लेवल पर बदलाव, चेंज जरूर लाना चाहिए। जो मौजूदा सरकार है उसमें भी प्रधानमंत्री ने इस पर डॉक्टर्स को अपील किया है कि वो इस मुहिम से जुड़े और मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स कम हो, ताकि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस की समस्या भारत में जो अपने पैर पसार रही है और बहुत बड़ी समस्या आज बन गई है, उस पर धीरे धीरे काबू पाया जा सके। अहम रोल इसमें हम लोगों का है, एक पेशेंट का है। उदाहरण के तौर पर एंटीबायोटिक दवाएं जब किसी ऐसे मरीज को दी जाती हैं जिसको कोल्ड है या फ्लू है तो वो काम नहीं करती हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है, क्योंकि एंटीबायोटिक वायरसेस के इन्फेक्शन पर काम नहीं करती हैं। आज हम लोगों की आदत भी क्या हो गई है कि आपको अगर जुकाम है, फ्लू है, कोल्ड है तो उठा के एंटीबायोटिक ले लेते हैं,
वही बाद में रेसिस्टेंस का रूप ले लेती है, जबकि कोल्ड और फ्लू में एंटीबायोटिक का कोई रोल ही नहीं है। तो ऐसी कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हमें अपने लेवल पर अपनाने होंगे किसी भी काम को करने के लिए। एक प्रोफेशनल का ही सहारा लेना चाहिए, और ये तो हमारे शरीर की बात है, इसमें तो हमें उसी प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए, मेडिकल प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए जिसको इसकी पूरी नॉलेज है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो इसको शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।